ओपनली मैं पारस के लिए गई थी। मेरे दोस्तों के साथ मेरा रिलेशन इतने सालों तक कैसे टिका है? हीना को लड़का कैसा चाहिए? हीना कैसे लड़के के साथ रहना पसंद करती है? हीना कैसी रहती है लड़कों के साथ? शहनाज, आई थिंक शी डिड व्हाट शी डिड, शी वांटेड टू डू। उसको जब पहले कॉन्ट्रैक्ट के लिए पूछा गया था तो उसने सोचा कि बिग बॉस की तरह फन लविंग गेम होगा। बिग बॉस में जो मेरा इमेज था वो इंडिविजुअल इमेज था, और मुझसे शादी करोगी में एक तो बड़ा प्लेटफॉर्म था अपना हिंदी का, जो वर्ल्ड वाइड लोग देखते हैं, और कलर्स चैनल इज़ ऑन द टॉप लिस्ट। एंड सेकेंडली, मैं एज अ दिल से कैसे रहती हूँ और कितनी इमोशनल लड़की हूँ, और मेरे दोस्तों के साथ मेरा रिलेशन इतने सालों तक कैसे टिका है, वो बताने के लिए मैंने मुझसे शादी करोगी का ये एक्सेप्ट किया था। और दूसरा मेजर था ये मुझसे शादी करोगी था, उसमें हीना को लड़का कैसा चाहिए, हीना कैसे लड़के के साथ रहना पसंद करती है, हीना कैसी रहती है लड़कों के साथ। प्यार में, दोस्ती में बहुत अलग रहती हूँ, बट मैं प्यार में बहुत अलग लड़की हूँ, बिकॉज मेरे लिए रिलेशन इज़ एवरीथिंग। बिकॉज मेरे घर के रिलेशंस या मेरे फ्रेंड के रिलेशंस जो भी है, और लव रिलेशंस जो भी रहे हैं मेरे, कोई मेरे वजह से नहीं टूटे हैं। सो आई हैव केप्ट माई रिलेशंस वेरी स्वीट एंड एंटरटेनमेंट, एंड एक स्पार्क मेरे रिलेशन में हमेशा रहा है, उसका भी बहुत रीजंस है। सो वही चीज़ की वजह से मैं मुझसे शादी करो मेरी थी। देखो, बिग बॉस में जब आपका इमेज होता है वो बहुत अलग इमेज होता है, वो एक स्ट्रॉन्ग हेडेड पर्सनालिटी का इमेज निकलता है कि तुम कितने अंदर से कमज़ोर हो या कितने स्ट्रॉन्ग हो। बट जब मुझसे शादी करोगी का वो जो कॉन्सेप्ट था, इट वॉज नॉट अबाउट बींग स्ट्रॉन्ग और समथिंग, इट वॉज बींग हाउ यू हैंडल द सिचुएशन, एंड वही चीज़ अलग थी। और इसीलिए, और पारस के साथ मैंने ये ओपनली मैं पारस के लिए गई थी, बट जब मुझे बोला गया था कि हम लोग यहाँ पे और 5 लोगों के लड़कों के साथ रहेंगे और लड़कियों के साथ रहेंगे, सो ये एक था कि मैं अगर पारस के साथ नहीं चला तो आई वॉज सपोज टू एक्सप्लोर दैट थिंग एंड सी इफ समबडी एल्स गेट्स कनेक्टेड टू मी। आई वॉज नॉट स्पेसिफिकली फॉर पारस, मैं एक्सप्लोर करने गई थी जो लड़का स्टैंड लेगा, मैं आई कुड हैव बीन विद दैट पर्सन। सो या दिस इज व्हाट दोस्त बन के निकली, और बहुत लोगों की आई थिंक वो भी एक बहुत बड़ी बात है। लोग ऐसे शो में जाकर हमेशा क्या वो नेगेटिविटी और खुद के बारे में या उनके बारे में गलत चीज़ें निकलती है, बट शहबाज वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ अ कंटेस्टेंट, बट बन गया था लास्ट में कंटेस्टेंट। उसका भी तो व्यू पॉइंट जाना गया था कि उसको कौन सी लड़की पसंद है, और उसने अंकिता का नाम लिया था। बट मेरा और उसका जो बॉन्ड है वो ऐसा बॉन्ड है दोस्ती वाला जो लाइफ टाइम तक चलेगा, और मैं उसके इमोशनल टर्म्स को भी समझती हूँ, बिकॉज उसका भाई बहन का इमोशनल टर्म निकला, उसके लाइफ का हिस्ट्री मुझे कुछ पता चला, एंड आई नाउ नो व्हाट सॉर्ट ऑफ गाय ही इज़। एंड वो एक मेरे भाई की उम्र का लड़का था, और उस उम्र में भी उसके अंदर कितना मेच्योरिटी था, वो सब चीज़ें मुझे अच्छी लगी, एंड दैट्स हाउ हम लोग का वो बॉन्ड बहुत स्ट्रांग बन गया, बिकॉज मैं उसको बहुत बाकी लोगों के साथ मेरा कनेक्शन नहीं दिखा, बिकॉज मैंने समझाया है, मैंने लवी डवी उन लोगों के साथ कॉन्वर्जेशन नहीं किया, इसीलिए वो नहीं दिखा। बट जब समझाने की बात थी तो आई हैव डन दैट विथ बलराज, विथ मयूर, विथ अंकिता एंड एवरीवन। आई थिंक अंकिता को भी मैंने एक दोस्त के नाते बहुत समझाने की कोशिश की, बट जो इंसान जो होता है वही दिखता है, यू कैन नॉट चेंज अ पर्सन इन 3-4 डेज, इट टेक्स ओवर द नाइट, नहीं होते चेंज, बट टाइम लगता। बट आई थिंक वो कुछ बातें मेरी समझ में आ चुकी थी उसको, और जो नहीं आई है वो अपनी लाइफ में कभी ना कभी सीख लेगी आई थिंक सो। आकांक्षा को लेकर तो मैंने जवाब उसी दिन उसके मुंह से सुन लिया था, जब मैंने उसको टैटू के लिए बोला था तो उसने बोला वो कट करके हुज नेक्स्ट करके लिखेगा, तो वो भी उसका जवाब मुझे अच्छा लगा कि अगर ठीक है उसको नहीं जम रही है वो लड़की तो हो गया, क्योंकि वो किसी के नाम का टैटू लिखना इट्स वेरी बिग थिंग, ओके। सो वो मेरा क्वेश्चन था। सेकेंडली, उसकी मम्मी का स्टेटमेंट जो था उस चीज़ पर भी मैंने उठाया था, बट एंड ऑफ द डे मम्मी का सुनो, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि मम्मी का नहीं सुनना चाहिए, बट अगर आप किसी से प्यार करते हो बिकॉज उस लड़की के साथ आप रह चुके हो इतने टाइम तक, आपको पता है कैसी है वो, तो अपनी मम्मी को मनाने को भी सीखो, ये भी चीज़ थी। और जो उसने बिग बॉस में खेला है, दैट वॉज एन एंटरटेनमेंट ऑफ इट, बिकॉज वो बिग बॉस में सारे रद्द करता था जो भी, बट वो उससे कुछ ना कुछ होता था और वो बोर नहीं होता था, लोगों को कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग मिलता था, और यहाँ पे वो अपने इमेज को चेंज कर सकता था, बिकॉज दैट वॉज अ फन, दैट वॉज अ टास्क एंड ऑल दैट, बट दिस वॉज अ लाइफ गेम।
गेम जिसमें हम एंटरटेनमेंट कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं चीज़ों को लेकर. उनका स्टेटमेंट हमेशा ये आता था जो एंटरटेन करेगा उसको हम सेलेक्ट करेंगे, बट वो चीज़ें तो नहीं थी. जैसे कि फर्स्ट इसमें संजना को सेलेक्ट किया जबकि उसने एंटरटेन तो किया ही नहीं, उसने एफर्ट्स डाले. अगर आप लोग एंटरटेनमेंट बोल रहे हो तो मैंने भी अपना मंकी वाला बनकर मैंने भी मंकी बार पूरा क्लीन किया था, लाइक कंप्लीट किया था, तो उस चीज़ को भी तो देखना चाहिए ना, हर टास्क को कैसे परफॉर्म किया, बिकॉज वो कम्प्लीटली परफॉर्म करने वाले को एक्सपेक्ट करते ना तुम. तो उसने जो संजना को सेलेक्ट किया तो वो ऐसा था कि सिंपैथी के लिए, चलो उसने इतना एफर्ट डाला इसलिए कर दिया. जैसे जसलीन को उसने एक्चुअली परफॉर्मेंस पे सेलेक्ट किया. अगर आप कर रहे हो तो ये वो उसको दिल से काम लेना चाहिए था, वो गेम जो खेल रहा था वो उसी पे भारी पड़ गई, इसीलिए उसके गेम के चक्कर में मेरा और उसका अनबन हो गया, जो हम लोग का हुआ झगड़ा. बिकॉज अगर आप किसी लड़की को लेकर किसी लड़की पे चिल्ला रहे हो, मतलब ये डिसाइड हो चुका है कि आपको वो लड़की पसंद है, इसके लिए आप उसका स्टैंड ले रहे हो. बिकॉज मैं गलत नहीं थी, क्योंकि वो लड़की गलत थी, झूठ बोल रही थी और मुझे पता है, और मेरे साथ जितने लोग थे हम लोग ने कॉन्वर्जेशन सुनी है, उसके मुंह से बातें निकली और कट्टू वो लड़की मुंह पे बोल रही, मैंने नहीं बोला, मैंने तो पारस का नाम ही नहीं लिया, मैंने तो ये किया नहीं, मैंने तो ये. सो वो आई वॉज माइंड फक्ड कम्प्लीटली एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. और जैसे और पारस का बोलो तो अगर वो दिल से खेलता तो ये गेम बहुत अच्छे से, ये एक्चुअली ये कंटेंट कांटेक्ट और जो भी जो चीज़ें हो रही थी ना वो बहुत अच्छे नोट पे जाती, बट ही फक्ड इट अप इन हिज ओन वे. वो तो है, हाँ आई अग्री ऑन योर पॉइंट. यस उसको दिखना था और इसीलिए तो इन लोग ने साइन कर दिया कॉन्टैक्ट, उनको कॉन्ट्रैक्ट, और उन्होंने उनको पता ही नहीं था कि ऐसा सब भी होने वाला है, ये एक्चुअली दिल की बात होने वाली है, तुम्हारे दिल की बात निकलने वाली. वो अपनी कम से कम बता रहा था, वो जब गेम होता था तब नहीं बताता था, जब हम नॉर्मल टाइम पे होते थे और ऐसे फ्रेंडली जोन में कॉन्वर्जेशन करते थे तब वो बताता था, यार मैं तो इधर किसी से प्यार नहीं करने वाला हूँ, यार कहाँ होने वाला है इतने जल्दी किसी से. तो मैंने वही उसको बोला कि प्यार तो किसी को 3 महीने में नहीं होता, बट एक अट्रैक्शन और एक इन्फैचुएशन हो जाता है इंसान को, बट वो भी नेचर वाइज, और अगर आप एक दूसरे को समझते हो, वो बातें करते हो तो होती है ये सारी चीज़ें. शहनाज़ आई थिंक शी डिड व्हाट शी डिड, शी वांटेड टू डू. उसको जब पहले कॉन्ट्रैक्ट के लिए पूछा गया था तो उसने सोचा कि बिग बॉस की तरह फन लविंग गेम होगा, बट जैसे ही फर्स्ट गेम में उनको बोला गया कि तुम्हारा 1-on-1 डेट्स हो गए और उसमें जो कॉन्वर्जेशन होती थी, दैट इज़ अ टची कॉन्वर्जेशन, बिकॉज हर एक के लाइफ में कुछ ना कुछ पास्ट है और उन लोग कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ों से गए हैं कि उनको वो चीज़ें रिपीट नहीं करनी है. इसीलिए शहनाज ने उनका दिल ना तोड़ने के वजह नहीं तोड़ना चाहिए, इसीलिए उसने अपना वो क्लियर रखा कि देखो मैं दोस्ती तो तुम लोग से हो जाएगी. और वो घर के अंदर ऑलरेडी उन लोग ने ऐसे ऐसे लोगों के साथ टाइम स्पेंड किया ना, तो हर कॉर्नर में उनको वो फ्लैशबैक्स आ रहे थे उनके दिमाग में, यार हम लोग ऐसे बैठे रहते थे, हमने इधर मस्ती की, मैंने किचन एरिया में ये किया. सो वो चीज़ें थी, अगर सेट अलग होता तो फिर शायद से एक अलग चीज़ें होती, बट इट वॉज अ फ्रिक्शन ऑफ अ सेकेंड ऑफ टाइम दैट वी हैड टू स्टार्ट द शो. तो इस वजह से आई थिंक दे वर रॉन्ग एट देयर पार्ट, बट लाइमलाइट के लिए लोग कुछ भी कर लेते थे, क्योंकि वो डायरेक्ट स्टेटमेंट्स पास करता था कि मैं पजेसिव नहीं हूँ. पहले हम लोग को बोला, हम लोग को बताया भी नहीं, तू जो है वो तो बता पहले, किसी को मालूम है कि तू पजेसिव है, किसी को मालूम है तू पजेसिव नहीं है, किसी को चाहिए तू स्ट्रेट फॉरवर्ड लड़की रहे. कभी बोलता है तुम लोग दोस्तों के साथ चिल करो, ये करो, मैं भी करता हूँ ये किस विस नॉर्मल वो, तो तू अपने स्टेटमेंट्स को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है डूड. तू जो है वो तो बता, ताकि लड़कियों को एक सबको एक ही दिमाग में हो ना, हर एक के दिमाग में अलग अलग चीज़ें डाले, मतलब तू खेल रहा था हम लोग के जज्बातों के साथ ना. तो मुझे वो चीज़ नहीं पसंद आई उसकी ज़रा भी. सो आई थिंक यू शुडंट हैव डन दैट. नहीं, हम लोग ने कभी एक दूसरे से चीज़ें शेयर नहीं की, बट आई थिंक हम दोनों एक दूसरे को ऑब्जर्व बहुत कर रहे थे, और जब उसके मुंह से जो चीज़ें निकलती थी वो कहीं ना कहीं मेरे लिए पॉइंट आ जाता था कि यार ये भी वैसे ही हो, मैं भी यही सोचती हूँ, मैं भी ऐसे ही करूँगी, मैं भी वैसे, मतलब वो पंजाब की अगर शहनाज है तो मैं मुंबई की हीना हूँ, और हम दोनों का नेचर काफ़ी सिमिलर है थिंकिंग वाइज. इवन उसने ये स्टेटमेंट दिया कि मैं अगर किसी को पसंद करती हूँ मैं शादी करूँगी, बिकॉज ये शादी बहुत बड़ी चीज़ है, मुझे डिवोर्स का टैग नहीं चाहिए, जो कि मैं अपने बारे में भी यही सोचती हूँ कि जिस दिन मैं लाइफ में लिव इन मैं 3 साल रह सकती हूँ, बट जिस दिन मैंने डिसाइड कर लिया शादी का वो उसी के साथ करूँगी जो मुझे पता है कि आगे जाके मेरा डिवोर्स नहीं हो, अदरवाइज मैं कभी शादी नहीं करना पसंद करूँगी. आई वुड लव टू बी इन अ लिव इन रिलेशनशिप, बिकॉज हर मोड पे इंसान चेंज होता है, बिकॉज एक लव रिलेशन में जब आप होते हो
तब आप एक्सेप्ट कर लेते हो इंसान जैसा भी है, बट जैसे शादी हो जाती है तो आप डोमिनेटिंग बन जाते हो, आप ये मत करो वो मत करो, ऐसे कपड़े मत पहनो दोस्तों के साथ. सो आई डोंट लाइक दैट बिकॉज मैं नहीं रोकती टोकती एंड आई एम नॉट अ पजेसिव गर्ल. मैं ना ही जेलस होती हूँ बट मैं उंगली करती हूँ, टू बी वेरी फ्रैंक. मैं बोलती हूँ अच्छा वो लड़की पसंद है तो फिर चला जाए उसके पास, क्यों मेरे पास. और मुझे पता है कि वो लोग मेरे साथ क्यों है एंड क्यों नहीं है, एंड दैट्स व्हाट आई वुड से कि ऐसा ऐसा मेरा नेचर है. और मैंने अपने आपको वही और शहनाज और मैं बहुत सिमिलर है वो नोट के. उसने दो भी ये बोला है कि वो बोलती थी कि लोग ऐसा बोलते थे वो वन साइडेड है, जैसे कि गौतम ने वहाँ पे बोला था कि वन साइडेड. बट डूड हमें तो पूरी चैप्टर पता नहीं ना. आज किसको पता है कि शहनाज कहाँ पे, किसी को पता भी, यू नेवर नो शी माइट बी विद सिद्धार्थ. और उन लोग का वो बॉन्ड है ना स्ट्रॉन्ग, दुनिया को दिखा है मतलब कहीं ना कहीं वो स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए तो वो लोग साथ में रह गए. तो मैं अंकिता के बारे में ये बोलूँगी कि इनिशियल मेरा और उसका भी, क्योंकि मैं कोई लड़की से दोस्ती बनाने नहीं गई थी टू बी वेरी फ्रैंक. जसलीन मेरी दोस्त थी इसलिए, अदरवाइज तो मुझे तो उन लोग के खिलाफ ही जाना था ऑब्वियसली, बिकॉज मुझे एक ही लड़के के लिए पसंद करना था एंड ऑल दैट स्टफ, उन लोग के साथ गेम खेलना था. बट जब जब बलराज बीमार था तब मैं इतनी कॉन्टैक्ट में नहीं थी बलराज के, बट उसका सेवा अंकिता ने किया. और जब अंकिता की हालत खराब जब बलराज ने किया, और जब बलराज ये अंकिता बीमार होकर हॉस्पिटल में थी तब मैंने ना बलराज को देखा है, वो एक धीरे 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 खुलने लग गया और उसको एक अंदर से अंकिता को मिस करो ये थी उसकी. और जैसे वो लोग दोनों आए बाद में अंकिता को थोड़ा वो खुला हुआ है, क्या हो गया सडनली, ये सब चीज़ें उन लोग की हो रही थी. ओके तो कि कुछ बात ये बोल रही तो ये उसको अरे तू दाढ़ी बना, तू ये कर, तू बाल बना कर अपना रख, तो मतलब वो डिमांड कर रही थी कि तू ये कर. और ये लड़का बिना कुछ ऑब्जेक्ट के या फिर उसको अलग बोलकर हाँ ठीक है मैं करता हूँ. तो यही होता है ना प्यार में, तो वही होता है कि आप एक दूसरे की बात सुन लो एंड ऑल दैट स्टफ. मैं उठाने जा रही हूँ तो मेरा उठता नहीं था, बट अंकिता आती थी तो दो सेकंड में उठ जाता था. तो फिर मैंने बोला मैं क्या, मैं दोस्त हूँ तेरी, और वो कौन है, वो दोस्त नहीं, वो उसके ऊपर है. तो बोलते ही ना यार उसकी आंखों में, मतलब हम दोनों की आंखों का कॉन्वर्जेशन ज्यादा था. और मेरा अगर अंकिता के साथ कॉन्वर्जेशन इसीलिए शुरू हुआ बिकॉज बल्लू ने मुझे बोला था कि हिना बी देयर विद हर, शी इज़ अ वेरी नाइस गर्ल एंड ऑल दैट स्टफ. बिकॉज मैं जज नहीं करती हूँ, तो उन लोगों ने ऑलरेडी इतनी बातें करी थी, तो बल्लू ने मुझे बोला था कि हिना अच्छी लड़की है, बात कर तेरे को अच्छी लगेगी, तेरे को समझ में आएगी ये वो. और जब जब मैंने उसको देखा, क्योंकि वो उसका एक सॉफ्ट स्पोकन लैंग्वेज है वो मैंने अपने लाइफ में नहीं देखा है, बिकॉज वो मुंबई से रहती है. और वो भी मैं भी उसको पहले से जानती थी, वो मेरे ट्रेनर के फ्रेंड की, शी यूज़ टू गेट ट्रेंड बाय हिम ऑल्सो. सो आई हैव सीन हर कपल ऑफ टाइम्स इन द जिम एंड ऑल, बट मैंने कभी कॉन्वर्जेशन नहीं की. सो व्हेन आई सॉ हर नेचर एंड शी इज़ अ अपस्ट्रेट गर्ल एंड ऑल दैट स्टफ, तो वहाँ पर मुझे उसके बारे में भी अच्छा लगा एंड दैट्स हाउ वी बिकेम फ्रेंड्स. नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं था, वो उन लोग का था. मैं उनके बीच में, मैं एक्चुअली वो घर में मैं लोगों की जोड़ियाँ बनाने गई थी, मुझे ऐसा लग रहा मैं मेरी जोड़ी का तो ध्यान नहीं दे रही थी बट लोगों की जोड़ियाँ, बिकॉज जब उन दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स भी आ रहे थे या फिर कॉन्वर्जेशन में कुछ हो रहा था तो मैं मयूर से भी अलग से बात करती थी. और मैं मयूर का मैंने पूरा जान लिया और मुझे पता चल गया मयूर कैसे टाइप का लड़का है. और मैं जस्सू को वही बता रही थी, तो स्लो एंड स्टडी विंस द रेस में जा, तो दिल में अगर है इतना भाग मत उस इंसान के लिए, रुक जा, आएगा आएगा और तुमको पता चलेगा धीरे धीरे. और धीरे धीरे सारी बातें करना, इट विल बी वेरी गुड एंड इट विल बी इन अ डिफरेंट नोट, बिकॉज 7 दिन में हम प्रायोरिटी नहीं दे सकते किसी को. मैं नहीं दे सकती 7 दिन में प्रायोरिटी किसी को. सो ये चीज़ था. और मैं शायद से मयूर ने ये स्टेटमेंट भी दिया था कि अरे हिना जसलीन को कि हिना मेरी बातों को समझ जाती है, तो समझने को बहुत मेरे को टाइम लगता है ये चीज़. सो आई थिंक आई अंडरस्टूड मयूर रियली वेरी वेल एंड दैट्स हाउ I understood him. He doesn't know me yet. वो मेरे बारे में कुछ नहीं जानता, ना ही मेरे लाइफ के बारे में जानता. It's just that he thinks that I'm a bindas girl and I'm a fun loving. Because जब मैं रोई भी थी उनके दोस्ती को लेकर, तब मेरा और मयूर का आर्ग्यूमेंट भी हुआ था, तेरे को नहीं जम रहा तो तू निकल यहाँ से, तेरे को नहीं समझ में आता तो तू जा यहाँ से. क्योंकि तब मैं बल्लू के साथ नाराज थी, मैं मयूर से नाराज नहीं थी बट वो मुझे प्रोवोक कर रहा था तो मेरा दिमाग सटका था. और बाद में तीनों ने आके मुझे हक किया, सो दैट वॉज लाइक मेरे दोस्त लोग आगे टाइप वाला फील था. अगर उनको लगता है कि मेरे में कोई दम है तो शायद से वो 14 में भी डाल देंगे मुझे, कुछ तो होगा ना, वो उनके ऊपर है. मुझे ऑलरेडी 2 बार ऑफर हिंदी का आ चुका था बट एज अ कॉमनर आ रहा था जो कि मैंने रिजेक्ट किया. बट अगर वो लोग को लगता है कि मुझे कुछ स्पेशल अपीयरेंस के लिए जाना पड़ेगा तो आई एम ऑलवेज रेडी.
अगर किसी को रियलिटी चेक देना है तो मैं रेडी हूँ, बहुत मजे करोगी वो चीज़ को भी लेकर। और जैसे कि मेरे फैंस ने भी मुझे, मेरी फैमिली ने बोला है, मतलब फैंस फैमिली जो मेरी है, उन्होंने भी मुझे बोला है कि हिना 14 करना, वी हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग दैट यू विल गो एंड रॉक इट एंड ऑल दैट स्टफ। बट अभी वो तो मेरे क्रिएटिव साइड के ऊपर है, उनका जो मन करेगा वो करेंगे, इवन इफ दे आस्क मी आई विल डू इट। वाइल्ड बोलेंगे तो वाइल्ड कार्ड एंट्री कर लोगे, बिकॉज आई डोंट बिलीव इन विनिंग द शो, आई बिलीव इन पोर्ट्रेइंग योरसेल्फ व्हाट यू आर। एंड जीतने के बाद वो एक मुझे स्टैम्प सिर्फ जीतने का नहीं चाहिए, मुझे दुनिया में लाइफ में कंटिन्यू करना है अपना काम, में जो भी छोटा मोटा बड़ा जो भी काम करूँ, आई वॉन्ट टू कंटिन्यू दैट, दैट्स मोर इम्पॉर्टेंट फॉर मी। या रियलिटी शो विच इज़ झलक हो या फिर नच बल्कि स्टापलेस में आता ना, वो भी चलेगा, कोई भी मिल जाए चलेगा मुझे। अपने आप को देखो, झलक में होगा तो कोरियोग्राफर के साथ करना होगा, सो दैट विल बी अ नेक्स्ट लेवल। बट अगर मैं नच बलिया करूँगी, देर विल बी अ केमिस्ट्री विच विल बी सीन ऑल टुगेदर। सो और मैं अपना केमिस्ट्री किसी के साथ भी बना सकती हूँ, बिकॉज माई आई कॉन्टैक्ट इज द बेस्ट पार्ट ऑफ यू। अपकमिंग में तो अपने मेरे मराठी गाने जो मैंने किए हैं बिफोर MSK में जाने से पहले, सो दैट विल बी कमिंग आफ्टर कोरोना का थिंग, बिकॉज अभी कोरोना का बहुत गंदा वायरस चल रहा है, और वायरस पता है, वायरस जब आता है तो क्या धमाल करता है। सो प्लीज़ गाइज, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड टेक ऑल द प्रिकॉशंस रिक्वायर्ड फॉर योर सेल्फ टू बी एट होम, डोंट मीट योर फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट। जितना टाइम स्पेंड कर सको अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, और अपनी फैमिलीज को भी सिक्योर रखो हर चीज़ को लेकर, एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। आई लव यू, थैंक्स फॉर सपोर्टिंग मी सो मच इन MSK एंड बिग बॉस। एंड जो भी मेरे हेटर्स हैं, जो पारस के फैन फॉलोइंग है, मैं उनको यही बोलूँगी कि डूड, आप लोग एक घंटे का देखते हो और इंसान फ्लिप होता है बार बार, और जो लड़का, जिस लड़के ने बहुत सारी लड़कियों को नाम दिए थे, तो इमेजिन करो उस चीज़ को भी लेकर। अगर शहनाज फ्लिपर है तो शहनाज ने बहुत अच्छा गेम भी खेला है, वो सच का साथ दे रही थी, वो गलत का साथ नहीं दे रही थी। सो दिस ऑल थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो जस्ट टॉकिंग एंड हु द हेल आर यू टू अपना मुंह देख, ये सब चीज़ें बोलने से पहले जान लो अंदर की बात क्या है, उसके बाद आप फैंस हो, आई हैव नो इश्यूज, मेरे भी फैंस हैं, आई रिस्पेक्ट यू, बट किसी को बोलने से पहले 10 बार सोच लो, क्योंकि मैंने किसी का नाम नहीं खराब किया, मैंने किसी को अपना उनका रियलिटी चेक दिया है।